बुद्धपादो दुर्लभो लोकस्मिन् दुर्लभो 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 मनुष्य भावो दुर्लभो दुर्लभं सद्धम सवनं दुर्लभा सद्धा संपत्ति पब्बचित भाव दुर्लभो। भगवान द्वारा सिखाया गया ये धर्म सुरक्षित रखने के लिए उन पांच ऐसी बातों का विवरण मिलता है जिससे लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जागे। पहला, कोई मार्ग और फल प्राप्त आर्यजन जिसके शुद्ध आचरण को देखकर लोगों के मन में भी अपने चित्त को निर्मल करने की प्रेरणा जागे। दूसरा, पटिपत्ति, लोगों को अपने चित्त को संयमित कर उसे निर्मल करने का प्रयास करते देख भी किसी और के मन में वैसी ही प्रेरणा जाग सकती है। तीसरा, भगवान की वाणी जिसके एक एक शब्द में गहरा धर्म का उपदेश समाया हुआ है, उसे सुनकर भी अनेकों के मन में ये श्रद्धा जाग सकती है कि उन्हें भगवान के सिखाए शील, समाधि और प्रज्ञा वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपना मंगल साधना है। ऐसे ही धर्म से जुड़े साधना स्थल, विहार, चैत्य, गंभीर साधना में लगे अनुशासित भिक्षु इत्यादि भी बहुत से लोगों को अपने व्यस्त जीवन के बीच भी शुद्ध धर्म से जुड़े रखने को प्रेरित करते हैं। और अंत में पांचवा, भगवान बुद्ध की शरीर धातु जो ये एहसास दिलाती है कि भगवान एक ऐतिहासिक महापुरुष थे, कैसे उन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर बोधि प्राप्त कर ली थी, कितनी करुणा के साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी वह मार्ग सिखाया जिस पर चलकर उन्होंने अपना मंगल साधा, और कैसे उन लाखों करोड़ों लोगों ने भी भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर अपना मंगल साध लिया था। यूं बोधि के लक्ष्य की संभावना को देखते हुए भी किसी साधक के मन में तीव्र धर्म संवेग जाग सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान द्वारा सिखाए गए सार्वजनीन सार्वकालिक धर्म की रक्षा हेतु पटिपत्ति, पर्यत्ति, साधना केंद्र, विहार, चैत्य इत्यादि के साथ साथ भगवान की शरीर धातु को चैत्यों में सम्मान पूर्वक सुरक्षित रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान के महापरिनिब्बान के पहले जब भगवान के उपठाक आनंद ने भगवान से पूछा, महापरिनिब्बान के बाद कैसे आपके शरीर का सम्मान करेंगे, तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि चार व्यक्तियों का सम्मान इस तरह से करना चाहिए। चार व्यक्तियों में आते हैं तथागत, प्रत्येक बुद्ध, अरहत और उसके बाद राजा चक्रवर्ती। इनके परिनिर्वाण के बाद इनके शरीर धातु को स्तूप में रखना चाहिए और चौराहे पर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग चारों दिशाओं से आएंगे और उसको देख करके कि ये क्या चीज है, उन्होंने क्या क्या काम किया संसार में, इन सारी बातों को याद करेगी जनता और उससे प्रेरित होगी अच्छा काम करने के लिए। भगवान ने ये भी कहा कि वहां अगर साधक विपश्यना का अभ्यास कर अपने चित्त को निर्मल करने का काम करे तो वह उसके लिए चिरकाल तक हित कराने वाला कर्म होगा। अवशेष के सामने ध्यान करने से आदमी को अनंत शांति होता है, एक प्रकार का कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है बोलते हैं, वो सच है। एक समाधि होते है, क्या होता है, मन अत्यंत परिशुद्ध होता है, परिशुद्ध होने से शरीर इतना हल्का होता है, इसलिए जहाँ ये अवशेष होता है वहाँ और भी ज्यादा इसका कंपन होता है, ये अनुभव से होता है। भगवान के महापरिनिब्बान के उपरांत
उनके शरीर का अधिकांश भाग छोटे छोटे मोतियों जैसे धातुओं के रूप में प्राप्त हुआ। इनके सबसे छोटे टुकड़े सरसों के दानों बराबर, कुछ चावल के दानों के बराबर और सबसे बड़े भाग मूंग के दानों के बराबर थे। इनके अतिरिक्त चार दांत, दो हंसुली की हड्डियां और शीश की एक हड्डी, इनको मिलाकर सात शरीर धातु अपने मूल रूप में ही प्राप्त हुई थी। अठ कथाओं में मिला ये विवरण तथ्य के रूप में पुरातत्व विभाग द्वारा अशोक कालीन चैत्यों की खुदाई में मिली बुद्ध धातु से भी प्रमाणित होता है। कल तक जो महामानव स्वयं लाखों करोड़ों लोगों को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सिखा रहा था, अब वह परिनिवृत्त हुआ और उनका वह शरीर यूं छोटे छोटे मोतियों जैसे धातुओं में बदल गया। मानो शरीर के अंदर का सारा प्रकाश, सारी स्वच्छता, सारी आभा दाह संस्कार होने पर इन धातुओं में बदल गई। कोई अचरज की बात नहीं है, वैज्ञानिक सी बात है जो हर विपश्यी साधक अपने अनुभव से जानता है। अपन जब शील समाधि और प्रज्ञा का जीवन जीते हैं तो हमारे मन में जितने डिफाइलमेंट्स हैं वही पहले तो क्लीन होना शुरू होता है। मन जब विशुद्ध होता है तो अपने आप शरीर भी विशुद्ध होने लगता है। माइंड और मैटर आर इंटर रिलेटेड। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है ऐसे ऐसे अपना शरीर भी शुद्ध होता है, तो मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और इसका एक गुण है कि जो ये भगवान के रिलिक्स है, धातु है, वो फिर इसी प्रकार का बदलाव आता है, ऐसी मान्यता चली आई है।